अगर 12 फरवरी को ट्रांसफर हो गया था तो अचानक रात में 11:30 बजे ये क्यों सूझा कि भाई इनको हटाओ, वरना कल को ये कह देंगे कपिल शर्मा को पकड़ के ला। दो चीजें, कपिल मिश्रा को, दो चीजें हैं। पहली बात, मैं अगर माननीय महाबल जी मुझे अलाउ करें, माननीय महाबल जी आप उम्र में बड़े हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, सुन लीजिए जरा महाबल जी, राघव आपके पास इसके बाद सुन लीजिए। नंबर एक, पहले आप जानिए कि जहां तक मुरलीधर जी का सवाल है, जो कि जज थे हाईकोर्ट के जिन्होंने ये केस सुना, ये केस पहले मार्क चीफ जस्टिस को ही हुआ है, क्योंकि ये पीआईएल है, चीफ जस्टिस ही सुनते हैं। चूंकि चीफ जस्टिस और उनके नीचे के जो जस्टिस सेकंड जस्टिस थे दोनों बीमार थे, इसलिए थर्ड जस्टिस को गया जो कि मुरलीधर थे। जब उसी बारे मुरलीधर जी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इनको गिरफ्तार करो, या वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन मात्र था, केवल एक मौखिक टिप्पणी थी। जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर में इस प्रकार का कोई विषय लिखा नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार, मैं दोनों वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा, दोनों इतने बड़े हैं हमसे, दिल्ली की राजनीति के पुरोधा है, कम से कम शांत तो रहे। टीवी डिबेट में तो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो नहीं पाता। आप लोग टीवी पर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सौहार्दपूर्ण रहे, और फिर जमीन पे जाते ही सारा सौहार्द दबा हो जाता है। और टीवी से भी संकेत चला जाता है कि महाबल जी सौहार्द केवल बताने का है। आप बहुत बड़े लोग, राघव चड्ढा वेट कर रहे हैं। देखिए इस कारण से ये मुरलीधर जी वाला विषय बेमानी है। अच्छा, और ये बेमानी है या बेईमानी है? नहीं, बेमानी है। इस पे कोई, इस पे प्रश्न उठाना सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पे प्रश्न उठाने के बराबर है। कोलिजियम जो कहेगा सरकार वो करती है। ठीक है, राघव चड्ढा बोलिए, हाथ उठा रहे थे राघव। देखिए दो तीन चीजें, आम आदमी पार्टी के पार्षद पे आरोप लगा, पार्षद सस्पेंड हो गया, बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर के आदेश हुए, जज ही सस्पेंड हो गया। और कोई उपाय था क्या? पार्षद को सस्पेंड नहीं करके आप क्या करते? आप उनका प्रमोशन कर देते, उनको आप उनको एमसीडी में मेयर बना देते। थोड़ा सा उनको अपना मेडिसिन चखना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लोगों ने एक दूसरे को खूब दवा चखा रखी है, लेकिन अभी जनता को कम से कम देखिए ये एहसास तो लेने दीजिए कि आप सीरियस है जनता। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, और जब हम बोलते हैं कोई नहीं बोलने देता। ठीक है, बात रख देता हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके राघव बोलिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूँ, आपके सामने बात रख देता हूँ। अच्छा, बाकी सब यहाँ ना समझ। रोहित जी बीते 100 जजेस जो पिछले, सुन लीजिए, बोले बोले सुन रहे, बीते 100 जजेस जिनका ट्रांसफर हुआ, उनका ट्रांसफर ऑर्डर निकालकर पढ़ लीजिए। जब भी ट्रांसफर होता है जज का, वो बताया जाता है कि इस तारीख से ट्रांसफर होगा और आपने फलाना फलाना तारीख से दूसरे कोर्ट में ज्वाइन करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आए कि आप अगले दिन कोर्ट नहीं जाएंगे, अब आप दूसरे हाई कोर्ट जाएंगे, यहां से आपका तबादला हो गया। पहली बार भारत ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। चड्ढा जी, ये आप लोगों के जानकार होने के नाते अपनी व्याख्या कर रहे हैं, इफेक्ट से आपने ऐसा पढ़ा? ऐसा नहीं लिखा हुआ है उसमें, अपनी व्याख्या दे रहे हैं कि मैं भी कानून का जानकार हूं तो कुछ भी व्याख्या करूंगा? मैंने तो पढ़ा है। मैं आपको वैसे भी अगले दिन तो वो पूरा मैटर सीजीआई के पास ही जा रहा है। मतलब अब राहत का काम, बचाव का काम, पुनर्वास का काम चढ़ गया जज साहब की भेंट कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया, इसलिए अब अपन राहत बचाव की बात ही नहीं करेंगे, अपन अब इसी पे बात करते रहेंगे कि जज का ट्रांसफर जबरदस्ती किया गया। चैनल पर रोहित जी, जी आपके चैनल पर एक सज्जन बैठे हैं, आपके चैनल पर एक सज्जन बैठे हैं जो खुलकर जस्टिस मुरलीधर का विरोध करते हुए कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा सवाल पूछा है ना आपके सामने उनसे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने रात को 12 बजे क्योंकि जिन लोग नहीं आई आपकी है उनके निर्णय पर टिप्पणी किया जा सकता है, ये जज व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन निर्णय पर टिप्पणी किया जा सकता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जस्टिस मुरली राघव चड्ढा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी की जा सकती है।